प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके लिए आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ वो सब बातें बताना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं, जिसकी बदौलत हम सब विभिन्न प्रकार के दुखों से, दर्दों से, परेशानियों से, कष्टों से जूझते हैं, और उन सब के लिए किस प्रकार से आप बहुत आसानी से उनका उपाय कर सकते हैं और धीमे धीमे करके अपने जीवन को खुशियों की तरफ मोड़ सकते हैं, अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को जानने समझने और इनके उपायों को करने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर और नक्षत्र, आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रह गोचर और नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। तो मंगल देवता मीन राशि में विराजमान है, राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है, बुध देवता और शुक्र देवता तुला राशि में विराजमान है, सूर्य देवता और केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान है, या सूर्य देवता को केतु महाराज भी ग्रहण लगा रहे हैं। वैसे कि जैसा कि माना जाता है कि केतु को अंधा कर देते हैं, केतु सूर्य को अंधा कर देते हैं, और सामने से राहु महाराज सूर्य पर ग्रहण लगा रहे हैं, और बृहस्पति देवता अपने ही घर में यानी धनु राशि में विराजमान है प्रसन्न होकर, और शनि महाराज भी अपने ही घर में चंद्र देवता के साथ विराजमान है मकर राशि में। अब यहाँ चंद्र देवता और शनि जो है आपस में मिलकर विषयोग बनाते हैं। तो ये है हमारे ग्रह गोचर और नक्षत्र की जानकारी जो आसमान में आज हैं, जिनकी वजह से हमें विभिन्न प्रकार के शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, वो भी केवल और केवल हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है। तो हम तो उनकी बातों को सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए बता रहे हैं कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो परमपिता परमात्मा आपको खुशियों से नवाजेगा। इस जीवन में तो देंगे ही देंगे, अगले आने वाले जीवन में भी किसी राजा सरीखे परिवार में आपका स्वस्थ चित्त सुंदर स्वस्थ बालक के रूप में जन्म होगा, आप सभी प्रकार के 56 भोगों का आनंद उठाएंगे, और बुरे कर्मों के आधार पर आपको फुटपाथ पर अपने हाथ में कटोरा लेकर भी पैदा होना पड़ सकता है अगले जन्म में, या फिर कहीं आंखों से अंधा होकर, पैरों से लाचार होकर, अपाहिज होकर, कोड़ी बनकर किसी घोर दरिद्र परिवार में, या ठीक ठाक काम चलाऊ परिवार में, आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, आप अच्छे परिवार में भी जन्म ले सकते हैं मगर अपाहिज होकर। तो ये सब हमारे कर्मों के फल है, वरना उस बालक ने क्या किया था? उस बालक ने तो कोई पाप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, उसका तो जस्ट अभी जन्म हुआ है, तो ये कहां से उसको अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? वो है पूर्व जन्मों का फल, जिसे आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो 100 बार सोचिएगा, और आप ही के लिए हमने एक यहां पर डिस्क्रिप्शन में गूगल प्ले स्टोर से एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है, जहां जाकर आप पापों के प्रायश्चित के लिए हमसे सलाह ले सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं, या वेबसाइट पर जाकर हमारी मदद ले सकते हैं, छोटे से उपायों के द्वारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के पंचांग की जब हम बात करते हैं, आज है विक्रम संवत 2077। आज जो परम पिता परमात्मा आप लोगों के लिए अपने द्वार खोलने वाले, वो समय 3:03 से लेकर 4:38 का, इस समय विशेष पर आप परम पिता परमात्मा का ध्यान करना, उनको स्मरण करना कोशिश करिएगा, ना रह जाए। जितना परमपिता परमात्मा की साधना आप करेंगे, उतना ही परमपिता परमात्मा आपको साधेंगे, आपके कर्मों को, आपकी खुशियों को, आपके अगले जन्म को। और या आज है विक्रम संवत 2077, 20 नवंबर सन 2020, 3 बार 20 हो गया आज, 20 नवंबर भी हो गई, और अगर हम सन की बात करें तो 20 और 20 हो गई। तो विशेष योग बनाए ही अचानक अंकों का, और आज जो नेगेटिव एनर्जी जो विराजमान होगी, उसका समय रहेगा 10:47 से लेकर 12:47, ये दिन का समय है,
और जो सबसे ज्यादा शुभ काल है वो समय रहेगा 11:45 से लेकर 12:28, ये भी दिन का समय। तो इसके आधार पर आप अपने समस्त शुभ कर्म या षट कर्म, जो तांत्रिक लोग हैं वो षट कर्म करते हैं, तो उसका निर्धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां आप लोगों से एक अनुरोध है, हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया में निरंतर फैलता रहे, प्रचारित और प्रसारित होता रहे। 1100 साल की गुलामी के बाद भी हमारा सनातन धर्म विश्व में अपना ऊंचा, अपना झंडा सबसे ऊंचा करके खड़ा हुआ है। तभी तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जब भी उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजी की मदद की जरूरत होती है, कभी वैदिक उपायों की जरूरत होती है, धर्म के बारे में जानने की जरूरत होती है, तो बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से, बड़े सम्मान की दृष्टि से हमारे सनातन धर्म को देखते हैं। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये खाली एक मैं बात कही कहाई बात किसी को बोल दूं, ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है। जब एक बहुत बड़े चर्च का बिशप साउथ अफ्रीका से मुझे अपना गुरु मानकर, जो खुद 78 साल का है, मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, मेरी बताई हुई वैदिक उपायों की राह पकड़ता है, या कि अन्य विभिन्न धर्मों के लोग, मैं किस किस धर्म की बात करूं, हर एक धर्म के लोग समय समय पर, जो मेन फेमस धर्म है, समय समय पर मुझसे संपर्क करते हैं और विभिन्न प्रकार के उपाय अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आप से अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि ये सनातन धर्म का जो प्रचार और प्रसार हो रहा है वो आपके पूर्वज पहले करते रहे थे, अब आपकी बारी है सनातन धर्म में अपनी आहुति देने की। बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, आपसे सिर्फ इतना सा कह रहे, छोटा सा कार्य, एक दो क्लिक मार रहे हैं, क्या कि अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को नित्य प्रति हमारे जो वीडियो आते हैं जो सनातन धर्म से संबंधित है, उन सभी वीडियो को, इस वीडियो को निरंतर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी मत भूलिएगा, चाहे फेसबुक पर, चाहे ट्विटर पर, चाहे व्हाट्सएप पर। और जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। तो अब आपकी जिम्मेवारी है, हम तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर चुके हैं, कर रहे हैं आपके लिए नित्य प्रति सनातन धर्म से संबंधित जानकारी को लेकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं, आपकी सभी की मदद करने के लिए निसंकोच भाव से। ये नहीं देखते ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, या ये इस धर्म का है या किसी और धर्म का व्यक्ति, हमें इस चीज की मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं, सनातन धर्म के अंदर सभी को हम मदद करने के लिए हृदय से स्वीकार करते हैं, सभी की मदद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई हमें आंखें दिखाकर मारे तो हम उसके गाल पर थप्पड़ मारना भी जानते हैं। हम उन व्यक्तियों में से नहीं है, कोई हमारे सनातन धर्म पर एक थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा थप्पड़ भी अपने गाल आगे कर दें कि ये लो इस गाल पर भी थप्पड़ मार दो। तो हमें अपने सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाना है, इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अपनी जिम्मेवारी से विमुख नहीं हो सकते, चाहे इसे मेरी गुरु दक्षिणा समझ कर दे देना, मुझे आपसे गुरु दक्षिणा में कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो को नित्य प्रति विभिन्न लोगों के साथ लगातार शेयर करते रहें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां आप, इंस्टाग्राम पर, जहां आप कर सकते हैं वहां शेयर करें, ताकि सनातन धर्म नित्य प्रति नई नई ऊंचाइयों को पहुंचता रहे। और आप ही की वजह से 133 देशों के लोग मुझसे संपर्क करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ये मैं 10 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ, वही रिकॉर्ड है, दोबारा रिकॉर्ड मेरे को नहीं मिला है, मैंने बना नहीं पाया क्योंकि गूगल से जब हमने देखा कि 133 देशों के लोग लगातार हमारी वेबसाइट पर जा रहे हैं और हमें देख रहे हैं, हमसे संपर्क कर रहे हैं, तब मैंने ये रिकॉर्ड आज से 10-11 वर्ष पूर्व बनाया था, चेक किया था। तो प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, जो आपका ग्रह है, मैं पहले ही कह रहा हूं, फिर आज वो ही कहूंगा, क्योंकि जब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मैं आपको वो ही बात बताऊंगा। तो आप अपने मंगल देवता को प्रसन्न करने के लिए उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की माला नित्य प्रति करिए, कुछ नहीं करना, धूप दीप जलाकर माला करनी है, 15 मिनट का समय लगता है। विधि विधान चाहिए तो हमें ईमेल करिए, डिस्क्रिप्शन में से लेके हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। और साथ ही साथ मूंगे की मंत्र से प्राण पक्षि से जागृत कराकर अंगूठी भी अवश्य धारण करिए। यहाँ विशेष रूप से एक बात आपसे कहनी थी कि आपका और आपके जीवन साथी के मध्य अक्सर तकरार रहता है अगर आप शादीशुदा हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए, उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए उनके राशि रत्न की अंगूठी भी आप अवश्य धारण करें। इससे आपके और उनके संबंध जो है मधुर बनने की तरफ बढ़ते रहेंगे आगे। तो ये अंगूठी अगर मंत्र सिद्ध होगी तो बहुत फायदा करेगी,
नहीं तो कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मंत्र सिद्ध वही लोग कर सकते हैं जो मंत्रों की नित्य प्रति साधना करते हैं। अगर आपको अंगूठी नहीं मिल रही तो बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आपसे रिक्वेस्ट करके अंगूठी अपने साइज के हिसाब से घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा करना चाहते हो बिना किसी चीज के, आप एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए, वीडियो कॉल का हम अवश्य आपकी मदद करेंगे और आपके लिए पूजा भी करेंगे। यहाँ पर परिवारजनों के साथ उलझने अभी भी बरकरार है, उनको सावधान रहिए उसके प्रति। और यहाँ आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियां घोलता हुआ प्रॉपर नजर आ रहा है, तो उस खुशियों का मौके को सेलिब्रेट करने का समय है। तो अपने जीवन साथी के साथ इस समय आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करिए। जिन लोगों की अभी शादी ही नहीं हुई उनकी शादी के चांस बहुत तेजी से बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो चाहें तो इन चांसों को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिश्तों की बात चलेगी, जरूर चलेगी, और शादी के होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो इस समय का सदुपयोग करें। ये समय अभी एक दो दिन के लिए नहीं, अभी पूरा लगभग महीने के करीब रहेगा। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं, ससुराल पक्ष से आपको कोई बुरी खबर या कोई परेशानी वाली बात हो सकती है, सावधान है। भाग्य के देवता आप पर मेहरबान है, उनका आशीर्वाद लेते रहे। आप जो कार्यस्थल के देवता है वहां पर भी उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। हमेशा अपने भाग्य को और अपने आमदनी दो चीजों को अपने राशि रतन के साथ, अपने राशि के साथ मजबूत रखें। अपनी अगर लगन आपकी स्ट्रांग है तो लगन के साथ मजबूत रखें। देखिए यहाँ एक बात समझ लीजिए, अगर लगन स्ट्रांग है तो लगन के हिसाब से कुंडली चलती है, और राशि स्ट्रांग है तो राशि के हिसाब से आपकी कुंडली चलेगी। तो जो आपकी कुंडली के अंदर ज्यादा स्ट्रांग है उसी के अनुसार देखा जाता है कि आपकी भाग्य क्या है, राशि क्या है, और किसका फल आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो उसमें वहां पर आपकी जन्म कुंडली विशेष रूप से कार्य करती है। तो यहाँ आमदनी के ग्रह का भी आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, किंतु आपके अपने ऊपर व्यर्थ की चीजों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, झगड़ों के ऊपर, फसाद के ऊपर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। गलती से भी पुलिस वालों से, मिलिट्री वालों से झगड़ा करने का प्रयास ना करें। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश में उपस्थित सभी पुलिस वालों को। मैंने अपनी आंखों से देखा कोरोना काल में कितनी माता पिता की भांति वो हम सभी जो गरीब लोग हैं उन सबको प्रेम से खाना बांट रहे थे। ड्यूटी तो सरकारी थी लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव थे वो खिन्नता के नहीं थे, क्रोध के नहीं थे। ऐसा लग रहा था एक माँ या एक बाप या एक बड़ा भाई या एक बड़ी बहन अपने छोटे भाइयों को खाना वितरित कर रही है। लेकिन मुझे हैरानगी जब होती है जब आप जब जो लोग खाना ले रहे थे उन्होंने उन लोगों को थैंक यू भी नहीं बोला एक बार भी। लगातार खाना लेने तो वो दोनों टाइम आते रहे लेकिन थैंक यू भी बोलने के लिए उनके पास मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तब मुझे बड़ी हैरानगी होती है कैसे देश के लोग हमारे देश के लोग कैसे हैं। गरीब क्या ये इसीलिए गरीब बने हुए हैं कि इनके अंदर एक आदमी इतने प्रेम से खाना खिला रहा है धूप में आप लोगों को, और आपको इतना भी नहीं है कि उसे थैंक यू बोले, उसे नमस्कार ही कर लें। और आपने उनको भी तो क्या किया, मुझे जब मैं उनके साथ लगातार जब वहां वो बांट रहे थे तो मैं आप लोगों के बीच में जब मास्क और बिस्कुट या केले इत्यादि का वितरण कर रहा था तो आप में से शायद ही किसी व्यक्ति ने मुझे कहा गुरु जी नमस्कार या पंडित जी नमस्कार। बस आप तो ये कि किसी तरह मुझे मास्क मिल जाए या मुझे प्रसाद मिल जाए जो कि गुरुजी बांट रहे हैं। और ये लगातार 47-48 दिन तक जब मैंने बांटा ये सब चीजें स्वयं अपने हाथों से, मैं मंदिर की तरफ से आप लोगों की सेवा करता रहा, तब मुझे ये एहसास हुआ जिससे मेरे मन में थोड़ी खिन्नता आई कि हम लोग मदद करते हैं। ये हमारी पुलिस के जवान अपने घर परिवार को छोड़कर आपकी मदद कर रहे थे और आपके मुंह से उनके लिए थैंक यू के शब्द नहीं निकलते। क्या बोलूं मैं आपको, आगे से कभी भी जीवन में ऐसा अनुभव हो तो उसको एक थैंक यू बोलिएगा। पुलिस वालों के भाई को अगर आसपास से गुजर रहा हो तो उसे थम्स अप करके उसे आगे वकअप करिएगा कि वो उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं हृदय से सैल्यूट करता हूं सभी पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को। तो यहां पर मैं बात करूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों को खराब होता हुआ स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। तो जो लोग प्रेम संबंधों की वजह से परेशान हो बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमारी मदद ले सकते हैं अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए, उनमें खुशियां लाने के लिए। और बात करता हूं यहां पर वृष राशि वाले व्यक्ति और उलझने, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं 2021 के बाद भी
जारी रहेंगी। ये उलझने राहु महाराज को उपाय आपके करने से ही दूर होंगी। तो अपने राशि रतन की राहु महाराज की और जीवन साथी भी आपका इस समय बहुत ज्यादा मतलब क्रोध में रहेगा, तो उनकी भी से संबंधित रतन की अंगूठी तो पहननी पहनिए, उनको भी कुछ अंगूठी पहना देना। मन से प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर उनकी कुंडली के अनुसार, वरना वो जितना भी आप प्रयास कर लें उनका गुस्सा तो आप ही पर निकलना है। आपके जीवन साथी कहाँ निकालते हैं, पड़ोसी पे निकालेंगे, बाहर जाके निकालेंगे तो वो लौट के जवाब मिलेगा या मतलब दो के चार मिलेंगे तो फिर क्या होगा। तो अपने जीवन साथी को शांत करने के लिए उनसे संबंधित रतन की अंगूठी पहनाना उनके लिए भी लाभदायक होगा। और यहाँ मैं बात करना तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, कोई छुआछूत की बीमारी या कोई इम्पोर्टेंसी की समस्या आपके साथ आ सकती है तो उसका विशेष रूप से ख्याल करें। भाग्य के हालात की बात करूं तो भाग्य के हालात निश्चित रूप से आपको शुभता प्रदान कर रहे हैं, आपको यात्रा की संभावना भी बना रहे हैं, कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल ही रहने की संभावना है और आमदनी के हालातों में भी पहले के कंपेरेटिवली तो फायदा होगा, लेकिन आमदनी का ग्रह तो काफी समय से आपका खराब स्थिति में है, तो उसको ठीक करने के लिए आप अपने राशि रतन की, आमदनी के रतन की, अपने भाग्य के रतन की और जीवन साथी की वजह से परेशानी है तो उनके रतन की अंगूठी पहनकर आप लाभ उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट जिनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगेगा, ये पहले माता पिता को बहुत क्लियर कर दूं, वृष राशि वाले स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, तो उनका मन लगाने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटे से उपाय स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे चर्चा करने के बाद घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और गारंटी से आपके न सिर्फ हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में भी मन अवश्य लगेगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंध निश्चित रूप से आपके खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी करें सोच समझ कर करें। जिन लोगों को संतान होने की संभावना थी उनकी संतान भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है, तो इस विषय में भी आप सावधान रहें। मैं नई संतान की, न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहा हूँ, जो होने की संभावना थी वो भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों की बात करूंगा मैं, अभी आज से ही, मान लीजिए मैं आज से ही बात कर रहा हूँ। तो और बात करूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, तो मिथुन राशि वाले व्यक्ति यहाँ पर आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो चिंताएं हैं आपके पीछे पड़ गई हैं, तो जब तक राहु महाराज का उपाय नहीं करेंगे, अपने राशि रतन को, अपने को, अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, चाहे राशि के हिसाब से या लगन के हिसाब से जहां कमजोरी आ रही है, तो आप मजबूत नहीं होंगे और आपको प्रॉपर फलों की प्राप्ति नहीं होगी। यहां पर माता का आशीर्वाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवश्य मिलेगा, तो अगर माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, तो इस समय कुछ शुभ प्राप्ति हो सकती है स्टूडेंट को विशेष रूप से। तो तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने कैरियर को मजबूती से बनाने का प्रयास करें। यहाँ पर अगर जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से निराशा ही हाथ लगने वाली है, तो जो युवक युवती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ये तो कम से कम जान लो कि सरकारी नौकरी का योग है भी जन्म कुंडली में या नहीं, वैसे ही भूस के देर में लठ बजा रहे हो, अगर कमजोरी हो गई तो उसे मजबूत कर लो ताकि आप अपने कैरियर की सही दिशा चुन सके। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस कर सके, आपको नौकरी ही करनी है तो अगर सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट नौकरी तो खुली हुई है। प्राइवेट नौकरी करके पता नहीं 10 साल में जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे 10 साल बाद आपको लगता है अब तो होगा ही नहीं मेरा सरकारी नौकरी में कुछ, तब आप नौकरी ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप आज सरकारी नौकरी अगर आपको पता नहीं मिलनी है तो आप प्राइवेट नौकरी पकड़ लेंगे तो 10 साल में तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अपनी मेहनत के बल पर आप आगे बढ़िए। यहां पर अनावश्यक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है, शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, शत्रुओं से सावधान रहने का प्रयास करें। जीवन साथी अगर आप शादीशुदा है तो आपका भरपूर मदद करता हुआ नजर आ रहा है, आपके जीवन में पूरी खुशियां लाने का प्रयास करेगा। हालांकि आपका नेचर जो है इस समय ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और यहाँ पर जिन लोगों की अभी शादी की बात चल रही है तो उनको शादी के संबंधों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस समय जो रिश्ते की बात चल रही है शादी में कन्वर्ट हो सकती है, लाभ उठाने का प्रयास करें। भाग्य के जो हालात हैं वहां पर मैं विशेष रूप से खराबी होते हुए देख रहा हूँ, तो अपने भाग्य को ठीक करने का प्रयास करें। अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, तो अपने आप को, अपने भाग्य को सदैव मजबूत करके रखें। कार्यस्थल पर मैं अगर मैं बात करता हूँ तो जीवन साथी की मदद लेकर कार्यस्थल में चाहे नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं ठीक करने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पर आमदनी की अगर बात करता हूँ तो आमदनी आज इस समय जितनी मेहनत कर लेंगे उतनी ही आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, तो एक विशेष समय है। और
राहु का उपाय मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपने करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आप ही परेशान रहेंगे। और साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ, आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं, किंतु फिर भी जो लोग निराश है, बिना किसी यज्ञ के वीडियो कॉल बुक कराकर हमसे मदद ले सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा मैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति देखो, स्पष्ट रूप से एक बात समझ लीजिए कि आपका जीवन साथी इन दिनों के साथ एक यात्रा का मौका मिल रहा है, जीवन साथी आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके शादी होने के चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस मौके का सदुपयोग करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है, भाई बहन भी माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सरकारी नौकरी के बने बनाए चांस भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों की सरकारी नौकरी के चांस लग रहे थे वो भी खराब होते हुए गड्ढे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग सूर्य देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के साथ अगर सूर्य देवता का पूजन करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा। विधि विधान आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, वो इस विधि विधान जो है डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल करके आप घर बैठे हुए प्राप्त कर सकते हैं, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपके जो भाग्य के देवता हैं वो बिल्कुल खराब हो रखे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो भाग्य में बैठे हुए जो कर्म के देवता हैं वो निश्चित रूप से आपके कर्मों में वृद्धि करेंगे और आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप अपने भाग्य को जितना मजबूत करेंगे उतना ही आपका हित होगा, तो अपने भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, आमंदी में कुछ उलझने आती हुई हैं, जब तक उन उलझनों का उपाय नहीं करेंगे, राहु महाराज वहाँ बैठ गए 2021 के बाद तक बैठे रहेंगे, तो उनके उपाय नहीं करेंगे तो आपको परेशानी निरंतर जारी रहेगी। आमंदी में कोई ना कोई अड़चन आती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ अपने प्रेम संबंधों में, वहाँ भी खराबी आती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। हालांकि भाग्य इसमें आपकी मदद कर सकता है, मगर अपने क्रोध पर अपने स्टाइल पर नियंत्रण रखें। फिर भी अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है, बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर लाभ उठा सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय करके, वो भी घर बैठे आपको ये उपाय मिल सकते हैं। वीडियो कॉल पर हमसे आप चर्चा कर सकते हैं एक अपॉइंटमेंट बुक करके। यहाँ पर आपकी संतान के बारे में बात करना चाहता हूँ, कर्क राशि वालों, जो युवक युवतियां, जो व्यक्ति सालों से डॉक्टर का इलाज करा करा कर थक चुके हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कर्क राशि वाले बहुत से लोगों को मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ रखी है इन दिनों, तो ऐसे सभी दंपत्ति जिनको संतान प्राप्त नहीं हुई, चाहे मिसकैरेज वजह बन रहा है या संतान धारण ही नहीं हुई, गर्भधारण ही नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में आप अब जब सालों से डॉक्टर की दवाई खा रहे हैं और कोई इलाज नहीं निकल रहा है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शरण में आइए। आप जन्म कुंडली दिखाइए अपने दोनों दंपत्ति, मियां बीवी की जन्म कुंडली देखकर डिसाइड पता लगाया जा सकता है बहुत आराम से कि आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के क्या योग है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो फिर प्रश्न कुंडली के माध्यम से, आपके चेहरे के माध्यम से आपकी मदद की जा सकती है, प्रश्न कुंडली को मदद लेकर और संतान प्राप्ति के योग तलाशे जा सकते हैं और आपको लाभ पहुंचवाया जा सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है उसके लिए आप हमारे पास आए इस कोरोना काल में, घर बैठे आप ये उपाय प्राप्त कर सकते हैं वीडियो कॉल के द्वारा, और हम इन उपायों को, अगर कोई उपाय उसमें जरूरी होते हैं तो उन उपायों को हमारे यहाँ से आपके घर पर प्रॉपर पहुंचवा दिया जाता है शनि मंदिर की तरफ से। ये हमारी गारंटी है कि आप तक हम अगर कोई उपाय आप मंगाते हैं तो जरूर पहुंचेंगे, चाहे आप पूरी दुनिया में कहीं भी क्यों ना रहते हैं। My name is Govumar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया, रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, ये इधर ये शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा, 100% आपको वादा करता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के बारे में ध्यान रखिएगा, जीवन साथी से उलझने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा, बीमारी से सावधान रहिएगा, उनकी भी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, वरना आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। और भाग्य की बात करूं तो मैं भाग्य के देवता आपके जाते खराब हो रहे हैं तो वही एक्सीडेंट को न्योता देंगे। साथ ही साथ कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल होते हुए नजर नहीं आ रहे। कार्यस्थल के हालात अगर ठीक नहीं होंगे तो कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे या कार्यस्थल को बदल लेने के लिए अपने भाई बहनों से हेल्प लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से इनकी सलाह मानने से आपको इन दिनों लाभ होने की पूरी पूरी चांस है जो आपकी आमदनी में भी वृद्धि करेंगे। तो आप इस लाभ का फायदा उठाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। परिवारजनों की राय आपकी आमदनी में वृद्धि करेगी, बहनों की राय आपकी आमदनी में वृद्धि करेगी, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। तो इनका सलाह लेकर आप आगे बढ़िए। और यहां पर मैं एक विशेष रूप से कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, आपके घर पर आपके कार्यस्थल पर, मैं बार बार दोहराऊंगा इस बात को 15 साल तक, कि आपके घर पर और आपके कार्यस्थल पर कुछ शत्रु जो है आपको नुकसान पहुंचाने का यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे शत्रुओं से। और इन शत्रुओं को कंट्रोल करने अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप हमारी मदद बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर हमसे बात करके ले सकते हैं और घर बैठे उससे संबंधित कोई भी उपाय प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे तो इतना तो कर देंगे कि आपके शत्रुओं को इस प्रकार से बांध देंगे वो आपको नुकसान न पहुंचा सके और आप बिना बोले ही केवल उनके सामने जाने, आपके सामने जाने से उनके अंदर डर का संचार हो जाए, जबकि आपको यही पता नहीं कि आपका शत्रु कौन है। अगर जैसे आप उसके सामने जाएंगे तो भयभीत होगा आपसे और आपसे दूर भागने का प्रयास करेगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों की, तो आपके प्रेम संबंध में शुभता प्रॉपर रूप से दिखाई दे रही है। स्टूडेंट का मन पढ़ाई लिखाई में लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस समय का लाभ उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियां ला सकता है, मगर माता के आशीर्वाद के साथ साथ उनके क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा। माता के आशीर्वाद से कुछ छोटे से चांस बन रहे सरकारी नौकरी की या उससे संबंधित इंटरव्यू इत्यादि की सफलता या नौकरी या प्रमोशन इत्यादि की का चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़िएगा। सूर्य देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निष्पत्ति करना बहुत लाभदायक होगा। विधि विधान के साथ धूप दीप देकर पूजा करनी होती है, 15 मिनट की पूजा होती है, आपने स्वयं करनी है, किसी से करानी नहीं है, स्नान के पश्चात बैठकर। और यहां मैं बात करना चाहता हूं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि आपका अपना ग्रह इस समय लाभ के भाव में बैठकर आपको लाभ पहुंचा रहा है, परिवारजन भी आपको लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु भाई बहनों के साथ कुछ अड़चन आ सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। भाई बहन नहीं पहुंचा रहे हैं मगर ये मतलब किसी अन्य वजह से ये अड़चन आ सकती है और एक जो चांस बन रहे थे सरकारी नौकरी के वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सावधान है ऐसे सभी लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, प्रॉपर मजबूती लाने का प्रयास करें। सूर्य देवता के तांत्रिक मंत्र बीज मंत्रों की नित्यपति एक माला करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है और आपको जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई में मन लगने के साथ साथ उनका कोई यात्रा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। जो भी करें सोच समझ कर करें। और यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है माता का आशीर्वाद से आगे बढ़ सकता है, मगर उसके क्रोध से भी बचना, बिना बात के अगर अचानक से क्रोध आ जाए तो उस क्रोध को सामान्य बनाने का प्रयास करना, नॉर्मल करने का प्रयास करना, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा उन सभी युवक युवतियों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ आप विशेष रूप से अगर प्रॉपर उपाय करेंगे अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली उस व्यक्ति को दिखाइए जिसको जन्म कुंडली का ज्ञान हो। एक्चुअली क्या होता है, गलती आप लोगों की भी है। आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ लेते हैं या मंदिर में पंडित जी से पूछने के प्रयास करते हैं जिनको जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं, तो वो आपको व्रत त्योहार उपाय बता देते हैं, पेड़ की पूजा इत्यादि बताकर आपको टालने का प्रयास करते हैं, या खाली कह देंगे पुखराज की अंगूठी पहन लो हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अरे शादी में 5 ग्रह तो कम से कम काम करते हैं, एक तो आपकी लगन, एक आपकी राशि, एक बृहस्पति देवता, एक शुक्र देवता और एक जो दूसरे पक्ष के यानी जिससे आपकी शादी होने वाली है उसके ग्रह, तो ये ग्रह तो कम से कम काम करेंगे। तो इन ग्रह में से एक भी कमजोर होगा तो अल्टीमेटली आपकी शादी नहीं होगी। या इसके अलावा कौन और कौन से ग्रह काम करेंगे मैं बता देता हूं आपको, फिर आपको बताया नहीं था। इन ग्रहों में से किसी भी जगह पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शादी वाले घर पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो भी इसको खराब करेंगे। तो इन सब ग्रहों को ठीक करना जरूरी है।
खाली बृहस्पति देवता की पूजा करने से या पुखराज पहनने से काम नहीं चलता, और जिनका चलना होता है बिना पहने ही अपने आप शादी हो जाती है। 100 में से 70-80% लोगों की अपने आप शादी हो जाती है। प्रॉब्लम होती है 10-20% लोगों को, उसमें से भी 5-7% लोगों को खाली बृहस्पति देवता की पूजा करके पुखराज पहनने से भी आराम आ जाता है। मतलब 100 में से अगर हम बात करें तो आ जाता है, लेकिन बाकी के जो 20% लोग हैं जिनको बृहस्पति का उपाय करने के बाद भी आराम नहीं आया, तो उनके बाकी के सारे ग्रहों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना आवश्यक है। और हमारे जो मंदिर के ब्राह्मण गण हैं, विद्वान ब्राह्मण गण हैं, वो एक्चुअली पारंगत तो होते हैं शादी कराने में, नामकरण में, पूजा में, पाठ में, जप में, लेकिन उन्होंने जन्म कुंडली की तरफ इंटरेस्ट लिया ही नहीं होता। आप जब जबरदस्ती कहते तो कुछ ना कुछ बता देते हैं आपको, और फिर आप उनकी बातों मतलब उस चीज को में ही लग जाते। कोई कह देगा गऊ माता को रोटी खिला दो तो आपकी शादी हो जाएगी, कोई कहेगा चारा खिला दो तो शादी हो जाएगी, पीपल के देवता की पीपल देवता की पूजा कर लो तो शादी हो जाएगी, या बृहस्पति केले के पेड़ का पूजन कर लो तो शादी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जब तक ये पांचों ग्रह और इन पर पड़ने वाली बुरे ग्रहों की दृष्टि ठीक नहीं होगी, आपकी शादी में अड़चन आएगी। और गलती से कहीं कोई शादी हो भी गई तो कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा व्यक्ति टकरा जाएगा जो आपके जीवन को वैसे ही दुश्वार कर देगा, परेशान कर देगा, नरक बना देगा लड़ाई झगड़ा कर करके। सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसा कोई प्रयास ना करें, अपने प्रॉपर उपाय करके लाभ उठाएं। हम चाहें तो आप हमारी मदद भी ले सकते हैं वीडियो कॉल पर हमसे बात करके। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके भाग्य की, तो भाग्य के हालात आपके सही नहीं है। भाग्य में अब राहु का बैठ जाना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कार्यस्थल के हालात भी आपके अनुकूल नहीं है, तो यहाँ आप अपने राशि रतन की, भाग्य के रतन की और कार्यस्थल के रतन की या आमंदनी के रतन की अंगूठी मन से प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर पहनिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप अकेले नहीं पहनते, हमारे देश में बड़े बड़े नेतागण, आप पहले टॉप 10 लीडर्स ले लीजिए, पहले टॉप 10 एक्टर एक्ट्रेस ले लीजिए, पहले टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट ले लीजिए, इन सबके बहुत सारे फोटो गूगल पर सर्च करिए तो बहुत सारे फोटो में से एक आध फोटो ऐसा मिल जाएगा जहाँ उनके हाथ की उंगलियाँ प्रॉपर आपको दिखाई देंगी और उनमें अंगूठियाँ भी दिखाई दे जाएंगी। तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये लोग भी तो पहनते हैं। अरे चाहे शाहरुख खान की बात करो, सलमान खान की बात करो, फराह खान की बात करो, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करो, हमारे मुख्य प्रकाश हमारे पुराने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बात करो, उनके पुत्र की बात करो सुखविंदर सिंह बादल की बात करो, दिलेर मेहंदी की बात करो, ये लोग भी पहनते हैं। तो आप क्यों नहीं पहन के अपने भाग्य को ठीक करते हैं? बात करो अमिताभ बच्चन की, ऐश्वर्या राय की, अभिषेक बच्चन की, अनु मलिक की बात करो, ये सब भी पहनते हैं। आप देखेंगे एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल के हाथ में भी आप रूबी की अंगूठी देख सकते हैं। तो आप भी अपने भाग्य को ठीक करने के लिए रत्नों की अंगूठियों को धारण कर लाभ उठा सकते हैं और अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ आपके प्रेम संबंधों की चर्चा करूं तो उन प्रेम संबंधों में कोई यात्रा का समावेश हो सकता है, आप अपने प्रेम संबंधों को अभी एंजॉय कर सकते हैं, मगर लड़ाई झगड़े से बचने का, यात्रा करेंगे तो यात्रा के दौरान लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता अत्यंत बनी हुई है। और जो लोग प्रेम संबंधों को लेकर निराश है, बिना किसी चीज के हमारी मदद लेकर लाभ उठा सकते हैं, वीडियो कॉल पर चर्चा कर सकते हैं और घर बैठे ही चर्चा करने के उपरांत जरूरत पड़ने पर उपाय मंगवा सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। यहाँ बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, देखिए आपका समय बहुत अच्छा है, शुक्र देवता आपके ऊपर मेहरबान होकर आपके सिर पर ही बैठे हुए, बहुत रोमांटिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। भाग्य के देवता आपके सिर पर बैठकर आपको लाभ ही लाभ पहुंचा रहे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये समय लगभग अभी चलने वाला 25-30 दिन, तो इसका फायदा उठाने का प्रयास करिए। ये योग बना रहे आप उसका फायदा उठाने का प्रयास करिए। बुद्ध देवता अभी यहाँ से हट जाएंगे जल्दी, लेकिन शुक्र देवता तो बने ही रहेंगे, उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। परिवारजनों के साथ झगड़ा करने का गलती से भी प्रयास ना करें, वो उनकी वजह से मदद मिल सकती है आपको सरकारी नौकरी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मदद मिल सकती है, लेकिन वो चांस खराब होने के चांस ज्यादा है। उसके पीछे कारण है कि सूर्य को ग्रहण लगने की वजह से ये चांस खराब हो सकते हैं। तो सूर्य देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की माला वो सभी युवक युवती हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको करने से फायदा होगा। विधि विधान, अगर तांत्रिक बीज मंत्रों का विधि विधान लेना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं, ईमेल करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हम अवश्य भेज देंगे आपको। यहाँ पर साथ ही साथ केतु महाराज की भी पूजा करेंगे तो और अधिक लाभ होने की संभावना है। यहाँ पर आपकी भाई बहन और आपकी माता फुल टू फुल आपको बेनिफिट देती हुई नजर आ रही है, मगर माता के साथ की गई यात्रा में आपको परेशानी हो सकती है, सो सावधान है। जो स्टूडेंट है अगर माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो अवश्य लाभ होगा, तो माता का आशीर्वाद लेकर ही पढ़ना पढ़ने बैठना
आपको लाभ देगा। किंतु जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते, वो हमारी गारंटी वाला एक उपाय कर लें, इससे उनका मन पढ़ाई लिखाई में भी लगेगा, हर साल पहले से ज़्यादा नंबर भी आएंगे, हम गारंटी देते हैं इस बात की, लिख के दे देंगे और बोलिए, नहीं तो आपके जो उपाय में पैसे खर्च हुए हैं वो आपको वापस हो जाएंगे। यहाँ पर अपने जीवन साथी का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, ब्लड प्रेशर हाई या लो या फिर ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, सावधान है। ससुराल से भी कोई अड़चनपूर्ण समाचार मिल सकता है, उसके बारे में भी ध्यान रखें। आपके जो भाग्य के देवता सिर पर बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको अपने आप को सदैव मजबूत रखिए, अपने राशि रतन की अंगूठी पहनकर, भाग्य को मजबूत रखिए भाग्य के रतन की अंगूठी पहनकर। जीवन साथी से तो वाद विवाद का आपका नाता है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो अपने जीवन साथी को कंट्रोल में करने के लिए, उनके साथ प्रेम संबंधों में मजबूती लाने के लिए उनसे संबंधित रतन की अंगूठी क्यों नहीं पहनते हैं? साथ ही साथ आमंदी के रतन की भी अंगूठी पहन के लिए कुछ करिए या उनका मंत्र जाप करिए, तो आपको अवश्य लाभ होगा, आपके निरंतर आपके पास धन का प्रभाव बना रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों की, तो उनके प्रेम संबंधों में अगर माता उनको मदद करें तो लाभ होगा, अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, माता की मदद नहीं ले सकते, तो फिर आप वीडियो कॉल करिए ना उनको, हम आपको मदद करेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाएंगे। अगर आपको किसी उपाय की जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया में कहीं भी घर बैठे आपको उपाय भी भेज सकते हैं किसी भी प्रकार का। यहां मैं बात करना चाहता हूं वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, देखो समय ठीक नहीं चल रहा है, कारण है कि आपके सिर पर केतु और सूर्य दोनों ही बैठ गए राशि में जाकर, यहाँ पर राशि में बैठे हुए सूर्य केतु दो राशि को ही खराब कर दे रहे हैं। क्यों? केतु सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु सूर्य को अंधा कर देता है, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। सूर्य देवता के और केतु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक एक माला नित्य प्रति करना, धूप दीप जलाकर आपको लाभ देगा। केतु की यह स्थिति अभी आपके लिए सवा साल तक बनी रहने वाली है, तो विशेष रूप से ध्यान दें और लाभ उठाने का प्रयास करें, उनको मंत्र जाप के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास करें। अपने राशि रतन की, अपने भाग्य के रतन की, आमंदी के रतन की अंगूठी और जीवन साथी के साथ भी कोई अड़चन होगी बार बार, तो उनके रतन की भी अंगूठी पहनना आपके लिए लाभदायक होगा, आपकी आमंदी में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी और निरंतर आप आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर माता का आशीर्वाद और परिवारजनों का फुल टू फुल आशीर्वाद बनता हुआ नजर आ रहा है। माता के साथ भाई बहनों के साथ की गई यात्रा आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, हालांकि वैसे अगर यात्रा नहीं करेंगे तो भाई बहनों से लाभ होने की प्रॉपर संभावना। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको क्रोध अचानक से बढ़ता हुआ पहले से ही चल रहा है, तो और अधिक ना बढ़े इसका विशेष रूप से ख्याल करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अपने कुटुंबजनों का सहारा लेकर, परिवारजनों का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, उनकी गाइडेंस आपके काम आएगी। जिन स्टूडेंटों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, हमारी मदद लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा जीवन साथी के साथ उलझने बढ़ी रहेंगी, जिन लोगों के रिश्ते की बात चली उनका रिश्ता टूट सकता है, बात हुई हुआ ही बात जो फाइनल हो रखी है वो भी टूट कर खराब हो सकते हैं, सावधान रहें। इसलिए जो लोग अपने शादी संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बिना किसी चीज के हमारी मदद लेकर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के बारे में, तो आपके भाग्य के देवता आपके भाई बहनों के साथ बैठे हुए और आपको लाभ नहीं पहुंचा पा रहे, अपने भाग्य के देवता को मजबूत करना आपके लिए लाभदायक होगा। और साथ ही साथ कार्यस्थल पर भी हालात अच्छे नहीं है, अनुकूल नहीं है, कार्यस्थल पर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आमदनी में अगर देखा जाए तो आमदनी से ज्यादा खर्चे होने की संभावना है, किसी स्त्रियों के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन के ऊपर खर्चा हो सकता है, फर्नीचरों के ऊपर खर्चा हो सकता है, तो जो भी करें सोच समझ कर सावधान होकर करें, खर्चा इतना ही करें जितना आप सह सकते हैं, कर्जा लेकर खर्चा ना करें। तो जो लोग लोन वगैरह से परेशान है वो भी बिना किसी यज्ञ के हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उपाय लेकर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों के बारे में मैं बात करूँ, तो आपके प्रेम संबंधों में अगर आप भाई अपने परिवारजनों का साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे उपाय जो आप वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, आप हमसे मिल वीडियो कॉल पर चर्चा करके जान सकते हैं और उपाय मंगवा सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्ति, देखो धनु राशि वाले व्यक्तियों का एक चीज तो बहुत बढ़िया है कि उनके राशि के देवता राशि में ही बैठे हुए, तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो पक्का है ही है।
ऊपर से परिवारजनों के साथ, परिवारजनों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, मगर उनके साथ अगर आप यात्रा करोगे तो थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो इस विषय में थोड़ा ध्यान रखना। भाई बहन भी परिवारजनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। माता का भी फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है, किंतु उनके क्रोध से बचना भी आप ही का काम है। और यहाँ बात करना चाहता हूँ, आपके शत्रु भी, आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर आपके पाइल्स वगैरह की समस्या आपको परेशान कर सकते हैं, तो सावधान रहें। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ मैं आपके भाग्य के बारे में, तो भाग्य के देवता आपके खराब हो रखे हैं। अगर सरकारी नौकरी की बातचीत चल रही है तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ भी निराशा हाथ लगने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसे सभी योगी होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बिना किसी झिझक के। एक तो अपने राशि रत्न की, भाग्य के रत्न की और अमलनी के रत्न की अंगूठी अवश्य धारण करें। दूसरा, सूर्य भगवान के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला निरंतर करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसका जो विधि विधान है, आप हमें ईमेल, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल है, वहां से आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, हम ईमेल करके हमें हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट विधि विधान, हमारा बनाया हुआ विधि विधान है, अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं। उसके द्वारा आपको अवश्य धीमे धीमे करके लाभ होता है। बात करूंगा आपके खर्चों की, वो आमदनी की, तो आप अपने आमदनी में आपके आमदनी के देवता खुद ही आकर बैठे हुए, साथ ही साथ कर्म के देवता भी वहां जाके बैठ गए, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आमदनी में बहुत अच्छा फ्लो आपका आने आ गया है। तो इस फ्लो को बनाए रखिएगा और आमदनी की अधिक से अधिक प्राप्ति करते रहेगा। इस समय जितनी मेहनत करेंगे उतनी आमदनी में कन्वर्ट हो रही है, ये आप स्पष्ट रूप से समझ लें। तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है आप कितनी आमदनी करते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतनी आमदनी आपको प्राप्त होगी ही होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा आपके प्रेम संबंधों की, तो आपके प्रेम संबंधों को अपने क्रोध से बचा कर रखिएगा। आपका क्रोध आपके प्रेम संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर आपकी खुद की मदद या आपके माता का आशीर्वाद आपको काम आ सकता है। माता से चर्चा करिए अपने प्रेम संबंधों की, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय लेकर लाभ उठा सकते हैं। इसमें कोई बकरों की, मुर्गों की, उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू बनने वाली बात नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटे से उपाय जो साल में एक दो बार करने, तो उनसे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त हो सकता है। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो अपनी नालायक संतान की वजह से परेशान है, चाहे वो संतान 15 साल की है या 55 साल की, जो उनको अपमानित करती है बार बार। तो ऐसे सभी माता पिता जिनकी संतान उनका अपमान करती है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। कि खून के किसी भी रिश्ते को ठीक किया जा सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा। दोनों के बीच में पुनः प्रेम संबंधों को जगाया जा सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय, चाहे खून का रिश्ता कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे भाई बहन का हो, पिता पुत्री का हो, पिता बेटे का हो, माँ बेटे की, माँ बेटे का हो, तो यहाँ तक कि हम तो पति पत्नी के रिश्ते को भी खून का रिश्ता ही मानकर ट्रीट करते हैं और उसमें लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं है, थोड़ा सा बात करना चाहते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, देखिए यहाँ पर एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है जीवन साथी के साथ, तो लेकिन उस यात्रा से नेगेटिविटी भी मिल सकती है, तो सावधान रहें कि यात्रा के दौरान झगड़ा ना करें। हालांकि आपके जो परिवारजन है आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, भाई बहनों के साथ भी सहयोग करें, उनके साथ भी झगड़ा करने का प्रयास ना करें। जो माता है भाई बहनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगी। और जो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका मन, अभी 1.25 साल तक मैं लगातार कहता रहूँगा, आप सुनिए, रोजाना ही बोलूँगा ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई में मन में उलझने आएगी, मन नहीं लगेगा उलझनों की वजह से। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां पर राहु महाराज आ गए हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस डिस्टर्बेंस से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय करने ही पड़ेंगे आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, नहीं तो आपको परेशानी का निरंतर सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके जीवन साथी की, तो निश्चित रूप से जो उनके जीवन साथी हैं तो उनके साथ यात्रा बता ही चुका हूँ, लेकिन जिनका पास जीवन साथी नहीं है वो प्रयास करें एक प्रॉपर तरीके से जन्म कुंडली दिखाकर, ताकि शीघ्रता से के खूबसूरत सा जीवन साथी उनकी जिंदगी में प्रवेश कर सके। भाग्य के हालात, निश्चित रूप से आपके कर्म स्थल पर आपके कर्मों में वृद्धि कर रहे हैं, और कर्म स्थल के यानी नौकरी और जो कार्य के जो हालात हैं वो आपके लिए बेहतर होने वाले हैं, आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। इस महीने उसका पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करिएगा, एक भी दिन व्यर्थ मत करिएगा।
आपका भाग्य और आपका कर्म स्थल एक साथ जुड़ चुका है और आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो इसका फायदा उठाइएगा। आमदनी के हालात उतने अनुकूल नहीं है, आमदनी लेना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। जो भी करें सोच समझ कर करें, सावधान है, क्योंकि यहाँ पर आमदनी में सूर्य और केतु के बैठ जाने से वहां पर ग्रहण लगता है सूर्य को, केतु सूर्य को अंधा कर देते हैं, राहु सामने से ग्रहण अलग से लगा रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, आमदनी को नुकसान भी हो सकता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और आमदनी को सेव करने का प्रयास करें। यहाँ पर गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपके लिए नुकसान का कारक बन सकता है, तो ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंधों में परेशानी आती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि आपके प्रेम संबंध कहीं खराब ना हो जाए। तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूती लाने के लिए आपकी जन्म कुंडली दिखाकर वीडियो कॉल पर हमसे उपाय जान सकते हैं और उपाय घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे शनि मंदिर की तरफ से बिना किसी झिझक के। यहाँ पर बात करना चाहता हूं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। देखो कुंभ राशि वाले व्यक्ति आपका ग्रह, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि काफी समय से मतलब ट्वेल्थ में राशि से ट्वेल्थ में बैठा हुआ, तो परेशानी का कारक बना हुआ है। सावधान है, अचानक से यात्रा की संभावना बनेगी और यात्रा पे जाएंगे तो परेशानी और ज्यादा होगी, तो इस विषय का ख्याल रखें। परिवारजनों के साथ झगड़ा करने का गलती से भी प्रयास ना करें, उनका आशीर्वाद आपके बहुत काम आने वाला है। माता से उलझने का प्रयास ना करें, कोई उलझन खड़ी होगी किंतु माता से उलझना आप ही का नुकसान करेगा, आपके भाग्य को खराब कर देगा। हालांकि भाग्य के देवता भाग्य में बैठकर आप पर आशीर्वाद की वर्षा शुरू कर चुके हैं, तो उसका लाभ लेने का प्रयास करिए। ससुराल पक्ष भी आपके भाग्य में वृद्धि करने का भरपूर प्रयास करेगा अगर आप शादीशुदा हैं, और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको भी भाग्य की वजह से मदद मिलती हुई नजर आ रही है, तो लाभ लेने का प्रयास करें। और यहाँ जो जीवन साथी है उसके जो हालात हैं वो कार्यस्थल पर थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, सावधान है, सतर्क रहें। तो आप अपने राशि रत्न की, भाग्य के रत्न की अंगूठी, आमदनी के रत्न की अंगूठी और कार्यस्थल से संबंधित रत्न की अंगूठी जीवन साथी के रत्न की अंगूठी के साथ धारण करते रहें और लाभ उठाते रहें। आप ही नहीं करते हैं पूरी, अब हम अपने देश की बात करें तो टॉप 10 लीडर्स की बात करें तो उनको देखिएगा समय समय पर कौन कौन पहनता रहा है। टॉप 10 एक्टर एक्ट्रेस की बात करें, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, आपकी रानी मुखर्जी, अनुष्का शर्मा, प्रीति जिंटा, सलमान खान, शाहरुख खान, अपना हिमेश रेशमिया, नवजोत सिंह सिद्धू, तो सभी लोग समय समय पर इन रत्नों की अंगूठियों को पहनकर लाभ उठाते रहे, तो आप भी उठाकर आगे बढ़िए लाइफ में। फॉर हुम यू आर वेटिंग, कोई भगवान जी आएंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगे डायरेक्टली, सी रात को सपने में या रात को आपके घर पर आ जाएंगे। अरे कुछ प्रयास तो करना होगा यार, तभी तो आप अपने जीवन को ठीक करेंगे। कितनी कितनी बार आपको समझाना पड़ता है, आप समझते नहीं है, ऊपर से आपके घर पर और आपके कार्यस्थल पर, मैं बता रहा हूँ सवा साल तक कोई ना कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। ऐसे दुश्मनों से सावधान रहें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर तो वैसे ही ग्रहण लगा हुआ है इस समय और जो एक महीने तक लगा रहेगा, तो सावधान रहें। यहाँ गलती से भी झूठी जमानत, झूठी गवाही देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। प्रेम संबंधों में ठीक है आपको लाभ की प्राप्ति होती नजर आ रही है, तो प्रेम संबंध जरूर आपके जीवन में इन दिनों में आपको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। फिर भी जो प्रेम संबंधों में निराश है, वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके घर बैठे अपने प्रेम संबंधों को ठीक कर सकते हैं, हमारे उपायों को हम आपके घर तक भेज सकते हैं। और यहाँ पर बात करता हूँ मैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति देखो अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, भाई बहनों के साथ उलझने का प्रयास मत करिएगा, आपके जो माता है उनके साथ भी झगड़ा करने का गलती से प्रयास मत करिएगा, और जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग उनका थोड़ा सा जो प्रयास है वो पढ़ाई लिखाई की ज्यादा तरफ थोड़ा कम है, यात्रा की तरफ ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सावधान है। जो जीवन साथी है उसके साथ थोड़ी सी संबंधों में खराबी आ सकती है, कोई बदनामी आपका पीछा कर सकती है, बदनामी से बचने का प्रयास करें और ये एक महीने तक स्थिति कम से कम बनी रहेगी। यहाँ पर बदनामी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी सरकारी नौकरी के खराब होने के चांसेस, बनी बनाई नौकरी के भी खराब होने के चांसेस हैं, या फिर आपको जो लोग युवक युवतियाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके चांस खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको तांत्रिक मंत्रों की जो सूर्य देवता के और केतु महाराज के तांत्रिक मंत्रों की एक माला नित्यपति करनी चाहिए, धूप दीप जलाकर विधि विधान आप चाहें तो हमें ईमेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट मांग सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल उपलब्ध है। यहाँ पर कार्यस्थल के हालात
आपको लाभ दे सकते हैं और आमदनी का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, व्यर्थ की यात्रा करने से बचने का प्रयास करें, अन्यथा आमदनी के खराब होने की चांस बढ़ जाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करूँ तो आपको प्रेम संबंधों में जो यात्रा कर रहे हैं उससे लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो जो भी करें सोच समझ कर करें, सावधान रहें। तो प्रिय भक्तगणों आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः प्रस्तुत होऊंगा आपके नए राशिफल के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।